हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रेवाड़ी विश्वविद्यालय में निकली वैकेंसी, इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है मीरपुर रेवाड़ी में, उसमें वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2019 और टोटल पोस्ट 24 है। दोस्तों आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि इस चैनल पर हम जॉब या जॉब से रिलेटेड हर रोज़ एक या दो पोस्ट जरूर लेके आते हैं। तो आइए दोस्तों विस्तार से पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2019 और अंतिम तिथि इसकी 30 दिसंबर 2019 है, और ऑल कैटेगरी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी एवं अटेंडेंट के पदों पे जो भर्ती निकली है उसके फॉर्म आपको ऑफलाइन जमा करवाने हैं, और इसके लिए योग्यता 10वीं से स्नातक पास है। इसके अलावा हम आगे और पढ़ते हैं। पद का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पद का नाम चपरासी। इसके लिए 11 पद हैं और एज 18 से 50 साल तक है। 16,900 से 53,200 रुपये इसके लिए वेतनमान है, और इसके लिए योग्यता 10वीं पास है। अगर 12वीं पास होने पर 12वीं का भी आप सर्टिफिकेट साथ में लगा सकते हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कुल पोस्ट 13 है, एज 18 से 50 वर्ष है। 19,900 से 63,200 रुपये, यानी इसका भी वेतनमान बहुत अच्छा है। बीएससी 50% अंकों के, और कंप्यूटर के लिए 5500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा आपके पास यहाँ पे दे रखी 18 से 50 है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को अलग से छूट मिलेगी। इसके लिए आप फीस यहाँ पे देख सकते हैं। पुरुष आवेदकों के लिए 500 रुपये, महिला के लिए 250, और SC BC आवेदकों के लिए 130 रुपये और महिला के लिए 65 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हो भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, जो कि रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के पक्ष में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मीरपुर ब्रांच कोड ORBC 01018 के पक्ष में दे हो, तो आप ये आप ऑनलाइन जो ड्राफ्ट है ये बैंक से कटवा सकते हो। इस फॉर्म का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा ताकि आपको असुविधा ना हो। भर्ती के लिए उच्च उम्मीदवारों के लिए जो 30 दिसंबर से 5 बजे से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी 123/40 हरियाणा के तक आप फॉर्म भेज सकते हैं, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके अलावा आपको शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उचित मूल्य का डाक ड्राफ्ट है जो बैंक ड्राफ्ट है वो आपको साथ में लगाना है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पोस्ट जरूर लिखें, और इसके अलावा नौकरी अगर आपके परिवार में नहीं है, विमुख जाति से है, या फिर जो एक्सपीरियंस है उसके अलग से अंक दिए जाएंगे, और आप अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में आप फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ें दे रखी है, आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।